2019 के चुनावों में पंजाब से शिरोमणि अकाली दल इस बार हरियाणा में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी पहले पिपली में एक रैली कर चुकी है और आने वाली 9 फरवरी को अम्बाला में पार्टी की एक रैली होने जा रही है। इसके बाद एक रैली सिरसा में होगी। अम्बाला में इसकी जानकारी सुखबीर बादल के OSD ने पत्रकार वार्ता करके दी। अम्बाला में पत्रकारों ने जब SYL पर पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल किया तो चरणजीत सिंह बराड़ ने कहा कि इस मुद्दे को कोर कमेटी में रखा जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा अध्यक्ष शरणजीत सिंह सोठा ने कहा कि यदि उनकी सरकार प्रदेश में बनती है तो वह SYL का समर्थन करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SYL के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाई। गल जे कि होएगी बोलने वाली तो बोलांगे, जिथे बोलने कोई नहीं हले थी। उही है ना जी, मतलब हर गल नू हले थी कि मैं ते आज मैं रैली दी तैयारी देखना है, जिहड़ी ये फीडबैक देणगे, जिहड़ी जनता दे मुद्दे होणगे उठाउणगे, असीं इन्हां दे नाल हैगे। इहदे जिथे चलो खैर, ये तो देखो दो गल्लां हैगियां जिहड़े 2019 दा इलैक्शन है, केंद्र नाल संबंधित जिहड़ा हैगा ये बनी है, जिहड़े जिहड़े लोकल सारे बंदयां नाल जिहड़े भी गल करके जो उहदे च मुद्दे होणगे उहनां नूं असीं बकायदा इत्थे जदों मान लो रैली दे विच सारे जिहड़े आ उह दस्से जाणगे। नहीं कोई जरूरी नहीं, अभी तो हम अकेले लड़ने की बात करके आए और वो ही कर रहे हैं। देखो ये तो साड़ी कोर कमेटी च फैसले होने हैं, किसी भी सूबे का। अज मैं जे इस दे उल्ट गल करा तो कांग्रेस भी पंजाब च लड़ती है, हरियाणा च भी लड़ती है, BJP भी लड़ती है, बाकी पार्टियां भी जिहड़ियां लड़ती हैं। इस करके ये मसले जिहड़े हैगे आ ये वड्डे कोर कमेटी च फैसले विचारे जाणगे। जिहड़ी बाकी दे होर बड़े काम ने जिहड़े सूबयां दे विच, जे सड़कां दे नैटवर्क की गल कर लईए, बिजली सरप्लस की गल कर लईए, जे एजुकेशन दे मामले की गल कर लईए, या जिहड़े किसानां दे फ्री बिजली की गल कर लिए, और बड़े मसले ने जनता दे नाल संबंधित बहुत सारे मसले। अम्बाला में पत्रकार वार्ता के दौरान सुखबीर बादल के OSD चरणजीत सिंह बराड़ हरियाणा में पार्टी का कोई मुद्दा साफ नहीं कर पाए। वहीं उनसे हरियाणा के अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बड़ा नहीं रहा, यदि होगा तो SGPC के आगे आग्रह करेंगे तो उसे भी हल कर लिया जाएगा। देखो मैं एक बेनती करूं कि जो कमेटी की बात है, जो वो करना चाहते थे उससे ज़्यादा SGPC ने सेपरेट ऑफिस या जो जो यहाँ के काम थे लगभग सभी कर रहे हैं और कुछ करने वाले बाकी हैं तो कर रहे हैं। मेरे ख्याल को आज वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा। अगर कोई होगा, अगर वो बैठ के बात करेंगे तो वो SGPC प्रधान साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी सॉल्व कर देंगे।